हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्मार्ट सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं आपको जो डब्बा के सीसीटीवी कैमरे आते हैं, डीवीआर आता है, उनकी फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप उनको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे मोबाइल पे उस डीवीआर को आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे इनके पिक्सल सेट होते हैं। तो हम शुरू करते हैं नए डीवीआर से। तो सबसे पहले जब हम डीवीआर को ऑन करते हैं तो हमें ये ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें हमें अपना नया पासवर्ड सेट करना पड़ता है। तो मैं इसमें जल्दी से अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। मैं इसमें पासवर्ड डाल रहा हूँ admin123, क्योंकि ये कॉमन पासवर्ड होता है और सबके याद रहता है, तो इसलिए इसे हम आसानी से लॉग आउट और लॉग इन कर सकते हैं। तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। अभी इसके बाद आता है पैटर्न का ऑप्शन। मैं इसमें एल पैटर्न लगा देता हूँ। ये पैटर्न हमें दो बार लगाना पड़ेगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पैटर्न लगा रहे हैं, तो ये परमानेंट लगता है, तो ये शुरू में दो बार ही लगाना पड़ता है। अगर आपको मेल आईडी डालनी है इसमें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप दोनों को इनको डिसेबल्ड करके फिनिश कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक अपडेट का है। अगर आपको डीवीआर का ऑटोमेटिक अपडेट चाहिए तो आप इसे यहाँ से इनेबल करके रख सकते हैं, नहीं तो इसे भी डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको टाइम और डेट मिल जाएगा, आपको यहीं से टाइम और डेट सेट कर लेना है डीवीआर का। मैंने पहले से ही किया हुआ है। और ये आपको यहाँ पे कैमरे आईपी का ऑप्शन मिल जाएगा जिसे आपको डीएससीपी इनेबल कर देना है। यहाँ पे आपको दो बार कोड मिलेंगे, उसके बाद सेटिंग और नेक्स्ट करते करते आपको इसे ओके कर देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जब हम हार्ड डिस्क वगैरह नहीं लगाते, नेट का कनेक्शन नहीं करते डीवीआर में, तो ये बीप की आवाज़ करता है, वो आप कैसे बंद कर सकते हैं। ये आप कैमरे की क्लैरिटी देख लीजिए तब तक। अभी मैं आपको सारे कैमरे चला के दिखा देता हूँ एक बार। अब मैं आपको बता सकता हूँ आपको कैसे बंद करने पड़ेंगे जो इनकी बीप बजती है। इवेंट में जाके ये सबसे पहले हार्ड डिस्क का, नो हार्ड डिस्क का आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करके सेव कर देना है आपको। उसके बाद आपको नेट में जाना है। अगर आपका नेट का कनेक्शन लगा हुआ है तो ये बीप नहीं करता, अगर नहीं लगा हुआ है तो उसका भी ये बीप करता है। और ये यूज़र का, यूज़र लॉगिन का, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है। अब क्या होगा, आपका जो डीवीआर है वो जो बीप बजती है वो नहीं बजेगी इसमें, और आप आराम से अपना जो भी आपको काम करना है कर सकते हैं। यहाँ से आपको रेजोल्यूशन सेट करना है, आपको जितना भी करना है अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टूर का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ नेटवर्क में, ये हमने अनेबल कर दिया था डीएससीपी। यहाँ पे आपको वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, वाईफाई पे क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हैं। ऑटो कनेक्ट पे इससे क्या होगा, जब भी आपका इंटरनेट अगर ऑफ हो जाता है और दोबारा ऑन होता है तो ये डीवीआर ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा उसे। यहाँ से आप सारी सेटिंग डिफॉल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि इसमें हम हार्ड डिस्क को भी कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, और भी मैं इसमें कई सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आपको स्टोरेज में जाके हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने के लिए एसएसडी सेटिंग, ये एसएसडी कोड है, एसएसडी सेटिंग में जाना है और आपको यहीं पे डबल क्लिक कर देना है सबसे ऊपर, और नीचे ही फॉर्मेट का ऑप्शन है, आप इसे फॉर्मेट करके ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जितना भी डेटा है आपका सारा ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। और अगर आपको नया सिस्टम लगा रहे हैं आप, तो उसमें हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क में पिछला भी कोई डेटा होता है तो वो भी क्लीन हो जाता है और हार्ड डिस्क सही से काम करना शुरू कर देती है। तो इसे हम ओके कर देते हैं। ओके करेंगे तो डीवीआर ऑफ होके दोबारा ऑन होगा। ये हमारा डीवीआर ऑफ हो चुका है ऑटोमेटिक, अभी ऑटोमेटिक ही ऑन होएगा।
DVR हमारा ऑन हो रहा है। DVR हमारा ऑन हो चुका है। अब आपको इसे अगर लॉगिन करना है तो आप पैटर्न से ही लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको सारे कैमरे एक बार चला के दिखा देता हूँ, पांच के पांच कैमरे। पैटर्न से ही आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। मैं अब आपको बताऊंगा कि इसे ऑनलाइन कैसे करते हैं। मैंने अभी से ऑनलाइन कर लिए के लिए एक टेंडा का जो USB वाईफाई आता है वो लगाया है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ मैंने वो किस जगह लगाया। पीछे जो इसका USB पॉइंट है मैंने उसी में इसे प्लग इन किया है। आप देख सकते हैं नीचे इसमें टेंडा लगा हुआ है और ऊपर मैंने इसमें माउस लगाया हुआ है। तो आपको वाईफाई में चले जाना है। यहाँ पे ये वीवो का जो ऑप्शन आ रहा है ये मेरे फ़ोन का ही आ रहा है। मैं इसी से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ अभी आपको। मैंने इसमें पासवर्ड डाला। और ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। इसे अप्लाई करके सेव कर देना है आपको। दोबारा जाना है नेटवर्क में और आपको P2P ऑप्शन में जाकर दिख जाएगा स्टेटस हमारा कैमरों का ऑनलाइन हो चुका है। इसमें आपको दो बार कोड मिलेंगे, एक तो ये कॉल फोन क्लाइंट और एक ये डिवाइस SN। तो आपको मैं ये दोनों बता देता हूँ कैसे यूज़ करने हैं। तब तक आपको अपने फ़ोन में चले जाना है और अपने फ़ोन में कुछ सेटिंग करनी है। तब तक आप इसमें और ऑप्शन देख सकते हैं। ये वाईफाई का ऑप्शन है, ये तीसरे नंबर पर होता है, ये आपको बस ध्यान रखना है। और सबसे नीचे आपको P2P सेटिंग। तो अब हम अपने फ़ोन की सेटिंग करते हैं। फ़ोन में सबसे पहले आपको अपने जाना है बार कोड में। मैं अपने फ़ोन का बार कोड स्कैनर ऑन कर लेता हूँ। ये मेरे फ़ोन का बार कोड स्कैनर ऑन हो चुका है। आपको जो मैंने बताया था ये कॉल फ़ोन क्लाइंट, ये आपको स्कैन कर लेना है। इसे स्कैन करते ही एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगी। आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहें प्ले स्टोर से कर सकते हैं, और आपको नॉर्मल डाउनलोड करना है अपना कहीं से तो कर सकते हैं। लेकिन ये इसलिए है, ये नए नए अपडेट आते रहते हैं। ढवा का जो सिस्टम होता है सबसे बेटर होता है, इसलिए वो अपनी एप्लीकेशन में नए नए अपडेट देता रहता है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे और आप नॉर्मली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने प्ले स्टोर से लाइट वर्जन इसका डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको एक दो सेटिंग और बता देता हूँ DVR की। आपको टाइम वगैरह कैसे सेट करना होता है इसमें और भी कई सारे ऑप्शन मैं आपको तब तक बता देता हूँ। देखिए हमने जो इसमें स्कैन किया है ये क्या है, कॉल फ़ोन क्लाइंट। ये जो एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए ही आता है ये बार कोड, इसमें ये सिर्फ डव्वा ही देता है और कोई कंपनी नहीं देती। यहाँ पे इवेंट, ये आपको टाइम और डेट अगर सेट करना है तो आप यहीं पे आ सकते हैं। टाइम और डेट में आप इस पर क्लिक करेंगे ईयर पे तो ईयर एडिट हो जाएगा, मंथ और डेट। अगर आपको टाइम करना तो टाइम भी आप ऐसे यहाँ पे एडिट करके से जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हो। और आपको यहाँ से सेव करना है, यहाँ से सेव करके तब जाके आपका टाइम अपडेट होगा। अगर आप डायरेक्ट नीचे से सेव कर देंगे ऊपर से नहीं करेंगे तो आपका टाइम अपडेट नहीं होगा और आपका टाइम चेंज नहीं होगा। यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है, डिफ़ॉल्ट फंक्शन अगर आपको करने हो तो यहीं से मिल जाएगा उसका ऑप्शन भी आपको। यहाँ से आप अपना रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। आपको जितना भी करना है Full HD अगर करना है तो, मैं तो नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास जो LED है वो 24 इंची की है और वो Full HD सपोर्ट नहीं कर पाएगी। मैं आपको बता देता हूँ आपको रिकॉर्डिंग वगैरह अगर देखनी है वो आप कैसे देख सकते हैं। सर्च, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट का भी आपको देखना है। और यहाँ से आपको कैमरे सेलेक्ट करने हैं, एक कैमरा देखना है आपको
चार कैमरे देखने हैं, 8 कैमरे देखने हैं। नीचे यहाँ पे ग्रीन पट्टी होगी, अभी रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है तो ग्रीन पट्टी छोटी सी होगी, तब तक मैं आपको नीचे क्लिक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक एक घंटे की आपको 24 फाइलें मिल जाएंगी, आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं, या नीचे पूरी ग्रीन पट्टी आ जाती है आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो CP प्लस में भी आपको मिलते हैं। ये देखिए, इसके आगे स्टिकर लगा हुआ है, नहीं तो मैं आपको यहीं से कट करना करने का ऑप्शन भी बता देता है, लेकिन मैं बैकअप का ऑप्शन आपको बैकअप में ही जाके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको टाइम अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, और टाइम एंड डेट, स्टार्ट टाइम एंड टाइम मैं आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट कर लेना है आपको किस कैमरे की चाहिए, और यहाँ पे फाइल फॉर्मेट, ये मेरा एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो चुका है, तो मैं तब तक आपको बैकअप का ये बता ही देता हूँ, एक बार पूरा कर देता हूँ इसे। यहाँ पे मैं टाइम डाल देता हूँ, जैसे मैं इसके 12 बजे से 2 बजे तक का चाहिए, और हम यहाँ पे सर्च कर देंगे। लेकिन अभी मैंने रिकॉर्डिंग ही अभी लगाई है, 4-5 मिनट पहले ही स्टार्ट की है, तो इसमें कोई फाइल नहीं आएगी। मैं आपको इसी टाइम की एक फ़ाइल निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अगर बैकअप को पे क्लिक करेंगे तो बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। मैं टाइम एक बार सेट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। ये भी फाइल शायद नहीं है, मैं ट्राई कर लेता हूँ एक बार। हाँ, इस टाइम की भी फाइल नहीं है हमारे पास, मैं एक बार दोबारा डाल के देख लेता हूँ इसमें। 48 की भी नहीं है, मैं दोबारा एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। बचपन से हम 58 की देख लेते हैं, शायद ये फाइल हमें मिल जाए। ये देखिए हमारी फाइल आ गई है, इसमें टाइम और डेट, ये हमारी 3 मिनट की फाइल है। इस पर आप क्लिक करके बैकअप पे क्लिक करेंगे, तो मैंने अभी पेन ड्राइव नहीं लगाई हुई, आप जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था टेंडा का USB वाईफाई लगाया हुआ है, वहाँ पे आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं। नेटवर्क में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा DVR ऑनलाइन है। अब हमें बार कोड स्कैन करना है, जो डिवाइस SN है हमने, मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। आपको नेक्स्ट कर देना है, अलाउ। आपको यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, सबसे ऊपर वैसे इंडिया ही है, मैं इंडिया डन कर देता हूँ। यहाँ से आप उसे स्कैन कर दीजिए और इसे नेक्स्ट कर दीजिए। आपका DVR कैसा आया, आप उसी पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम, जो आपने DVR का यूज़र नेम है एडमिन, और यहाँ पे जो DVR का पासवर्ड है वो ही डालना है आपको, admin 123, और आपको ये सेव कर देना है ऊपर से। अगर आपके कैमरे ऑनलाइन होंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके यहीं पे, इसे कंटिन्यू कर देता हूँ एक बार, यहीं पे आपके कैमरे चल जाएंगे। देखिए हमारे चारों कैमरे चल चुके हैं, आपको 4 का 8 का ऑप्शन सारा यहीं से मिल जाएगा इसी फंक्शन में। इसमें ये जो एप्लीकेशन है, ये इसका नया अपडेट आया है, आपको ये थोड़ा खुद ही समझना पड़ेगा, जितना हो सकता है उतना मैं आपको समझा दूंगा इसके बाद। ये आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, अगर यहीं से आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जूम करना है, रिकॉर्डिंग में भी जूम हो जाएगा, और ये आपके 5 कैमरे लाइव चल रहे हैं। आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे लाइव प्रीव्यू का, ये आपकी एडमिन जो ID है वो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप, ये जो इसका नया वर्जन आया है, या है इक्विजन की तरह, जैसे इक्विजन का सिस्टम होता है इसी तरह इसका है, ज़्यादा चीज़ नहीं है। आप अगर कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे तो यहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको अपने DVR का पासवर्ड या अपने एप्लीकेशन में सिक्योरिटी लगानी है, आपके PTZ कैमरे हैं, तो आपको सारा कुछ ऑप्शन यहीं पे देखने को मिल जाएगा।
अगर आपको डिवाइस ऐड करनी है, डिवाइस ऐड का ऑप्शन भी आपको मिलेगा इसी में। आपको नॉर्मल सेलेक्ट कर लेना है और आपके चारों कैमरे चल रहे हैं। तो मैं इसमें फ़ोन में भी बड़ा करके दिखा देता हूँ एक एक कैमरा। यहाँ से आपको अगर कलर वगैरह सेटिंग करनी है वो भी कर सकते हो आप। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप सब सारी सेटिंग समझ चुके होंगे और यहीं से आप इसका रेजोल्यूशन भी सेट कर सकते हैं। आपको कितना पिक्सल में चाहिए आप यहीं से सारा सेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।